तो हमें क्या करना है, पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव्ड करना है. पॉपुलेशन इन्वर्जन कब अचीव होगा, जब हम मैक्सिमम एटम्स को हायर एनर्जी स्टेट में पहुंचा देंगे. और मैक्सिमम एटम हायर एनर्जी स्टेट में, या ज्यादा एटम हायर एनर्जी स्टेट में कब पहुंचेंगे, जब बाहर से कोई एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करेंगे. तो जो प्रोसेस बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करता है उसको हम पंपिंग कहते हैं. तो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, क्वेश्चन है व्हाट इज पंपिंग. क्वेश्चन मार्क, हाउ कैन इट हेल्प. In achieving population inversion. ठीक है, तो द स्टेट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन कैन बी अचीव बाय सप्लाइंग एक्सटर्नल एनर्जी टू द सिस्टम. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पंपिंग. काफी सारी पंपिंग टेक्निक्स होती हैं, बट फिलहाल यहाँ पे हमने पांच लिखी हुई हैं, और जिसमें से हम सिर्फ टू ही डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे जो हम लेजर पढ़ेंगे उन लेजर्स में यूज हो रही है. तो कॉमनली यूज पंपिंग टेक्निक्स आर ऑप्टिकल पंपिंग, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मेथड, डायरेक्शन कन्वर्जन, इन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन एटम्स, केमिकल प्रोसेस. ठीक है, ऑप्टिकल पंपिंग हमारी यूज होती है रूबी लेजर में, और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पंपिंग यूज होती है हीलियम नियॉन लेजर में. तो पंपिंग क्या है कि जो एक्सटर्नल एनर्जी हम सप्लाई करते हैं उसको हम पंपिंग बोलते हैं. चलिए इसको लिखिए, फिर इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं, ऑप्टिकल पंपिंग क्या है और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पंपिंग क्या है. इतने सब लोग सोचिए, अगर जिसका नोट डाउन हो गया है वो सोचिए कि ऑप्टिकल पंपिंग में क्या होता होगा, कि हम लोअर एनर्जी स्टेट से एटम्स को हायर एनर्जी स्टेट में ले जा रहे हैं, और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पंपिंग में क्या होता होगा, वहां पे हम क्या यूज करते होंगे मटेरियल को एक्साइटेड करने के लिए लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में पहुंचाने के लिए. चलिए, टाइप ऑफ पंपिंग बता ही चुकी हूँ, ऑप्टिकल पंपिंग, केमिकल पंपिंग, इलेक्ट्रिकल पंपिंग, इन इलास्टिक एटम टू एटम कोलिजन पंपिंग. तो पहले हम ऑप्टिकल पंपिंग की बात कर लेते हैं. तो नाम से क्या लग रहा है कि ऑप्टिकल पंपिंग क्या होती है? मैम लाइट एनर्जी का यूज करेंगे इसमें। हाँ, लाइट का यूज करेंगे. तो ऑप्टिकल पंपिंग क्या होती है, इसमें हम ऑलरेडी जो लाइट है, जो लाइट रेडिएशन है, उसको इंसिडेंट कराते हैं उस मटेरियल पे जिसको हमें एक्साइटेड करना होता है, जिसके एटम्स को, और जहां से हमें लेजर बीम चाहिए. तो नॉर्मली ये हम रूबी लेजर के अंदर यूज करते हैं. तो रूबी लेजर में होता क्या है, रूबी रॉड होती है, जो एल्युमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है, उसको हम चारों तरफ से जिनॉन लैम्प से वाउंड करे रहते हैं. तो जिनॉन गैस फिल्ड होती है, एक हेलिकल ट्यूब होती है जिसके अंदर जिनॉन फिल्ड होती है. जिनॉन को हम ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके एक्साइटेड करते हैं. फिर वो जब डी एक्साइटेड होके स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन के थ्रू लाइट एमिट करते हैं, उस लाइट को हम रूबी रॉड पे फॉल कराते हैं. तो ऑलरेडी जो हमें स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन से लाइट मिल रही है रूबी रॉड पे, उसको फॉल कराया जाता है. फिर रूबी क्रिस्टल के अंदर या रूबी रॉड के अंदर क्रोमियम आयन एक्साइटेड होते हैं, और फिर वो हमारा जो फर्दर प्रोसेस है स्टिमुलेटेड एमिशन वाला, वो होना है. ठीक है, वो तो हम जब रूबी लेजर पढ़ेंगे तो उसको पढ़ेंगे. तो इन ऑप्टिकल पंपिंग क्या होता है, एटम आर एक्सपोज टू लाइट रेडिएशन ऑफ फोटोन एनर्जी एच न्यू. द एटम इन लोअर एनर्जी स्टेट एब्जॉर्ब दीज रेडिएशन एंड गो टू एक्साइटेड स्टेट. ये पंपिंग को हम ऑप्टिकल पंपिंग बोलते हैं. नॉर्मली जो भी किस लिए पंपिंग टेक्निक यूज कर रहे हैं, टू अचीव द पॉपुलेशन इन्वर्जन. 1966 में ये वाली पंपिंग टेक्निक डिस्कवर्ड हुई थी, और इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था. ऑप्टिकल पंपिंग इज ऑल्सो यूज इन क्रिटिकली पंप्स इलेक्ट्रॉन्स बाउंड विद एन एटम एंड मॉलिक्यूल एज वेल डिवाइन क्वांटम स्टेट. जो इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स अच्छे से बाउंड हुए हुए होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं, इसलिए नॉर्मली सॉलिड स्टेट लेजर में यूज होती है. दिस पंपिंग इज यूज इन रूबी लेजर. तो फिलहाल इतने सारे पॉइंट आपको नोट नहीं करने हैं, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला करना है यहाँ पे. ठीक है, तो इन ऑप्टिकल पंपिंग द एटम आर एक्सपोज टू लाइट रेडिएशन ऑफ एनर्जी एच न्यू. द एटम इन लोअर एनर्जी स्टेट एब्जॉर्ब दीज रेडिएशन एंड गो टू एक्साइटेड स्टेट.
एंड दिस पंपिंग इज यूज्ड इन रूबी लेजर. तो जो लाइट है उसको हम सॉलिड स्टेट क्रिस्टल पे फॉल कराते हैं. अभी किसी के दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं आते कि हम लाइट तो यूज कर रहे हैं, लाइट को क्रिस्टल पे क्यों फॉल करा रहे हैं, लाइट तो है ही हमारे पास. क्योंकि जो हम सिंपल लाइट यूज कर रहे हैं वो मोनोक्रोमेटिक नहीं है, हाईली इंटेंस नहीं है, कोहेरेंट नहीं है. हमें मोनोक्रोमेटिक इंटेंस बीम चाहिए, इसलिए हम ऐसे क्रिस्टल पे फॉल करा रहे हैं जिससे हम लेजर बीम ले सकें, है ना. जो ऑर्डिनरी हम लाइट इस पे फॉल करा रहे हैं जिनॉन लैम्प वाली, वो मोनोक्रोमेटिक नहीं होगी, इंटेंस भी नहीं होगी, यूनिडायरेक्शनल भी नहीं होगी. यस मैम. यस मैम. चलिए तो नेक्स्ट वाला सोचिए. नेक्स्ट वाला है हमारा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पंपिंग या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पंपिंग. इसके नाम से क्या लग रहा है, इसमें क्या होता होगा मैम? करंट यूज होता है. हाँ, करंट क्या, इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलेरेटेड करके जिस मीडियम को हमें एक्साइटेड कराना होता है उसमें पास करते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो नॉर्मली जब ये मूव करेंगे तो हम इसके लिए गैस मीडियम यूज करते हैं. तो नॉर्मली ये वाला जो हमारा पंपिंग है ये गैस लेजर्स में यूज होता है. तो इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, उसको इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं. फिर उनको एक्सेलेरेटेड कराया जाता है हाई वेलोसिटी पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर. फिर वो एक्सेलेरेटेड इलेक्ट्रॉन्स गैस से कोलाइड करते हैं और अपनी एनर्जी उस गैस के एटम को ट्रांसफर कर देते हैं. और जब एटम, गैस का एटम उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में मूव करता है. ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पंपिंग है. इन दिस मेथड द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब. दीज इलेक्ट्रॉन आर एक्सेलेरेटेड टू हाई वेलोसिटी बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड. द एक्सेलेरेटेड इलेक्ट्रॉन्स आर देन कोलाइड विद गैस एटम एंड ट्रांसफर देयर एनर्जी टू गैस एटम. नाउ सम गैस एटम गेन एनर्जी एंड गो टू एक्साइटेड स्टेट. दिस मैथड इज नोन एज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पंपिंग और दिस type of pumping is used in gas laser like helium neon gas laser and argon gas laser.